क्या होगा वीडियो देखिए, इससे बड़ा चलो अल्लाह ने बाबा नहीं हटाइए, चलो हटा बॉडी बढ़वा आगे ऐसे अपने घर टपर गया, जिनने घर बुलाया और धक्का दे के मार दिया, वो कह रहे अपने आप मर गई, सिलेंडर फट गया। अब क्या हो गया, हमें एक बा को मारो, हम मारो एक बा को मारे नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस का कह रही कुछ नहीं कह रही, ये बच्चा डरी जो को पाल है, को पाल है जो बॉडी को भी को कह रहे हो जिन्हें देख से को पाल है। चार लोग थे अंदर, मैंने सर दरोगा से कहा कि आप ताला खोलो, इन्हें बाहर निकालो, बोले नहीं अभी चौकी जाके एक घंटा बाद कह रहे चले पकड़ने के लिए, जब उन्हें भगा दिया। ऐसा होता है सर, मुझे तो इंसाफ चाहिए, तब इंसाफ चाहिए तो चाहिए सर, अब नहीं मानूंगी मैं किसी की। सर अभी जान से मारने की धमकी दे के गया है, उसका कौन करेगा, मेरे पति के ऊपर अगर हमला हो जाएगा इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, पूरे सिपाहियों अपने अपने शान करके देखे, इसके जिम्मेदार हम रहेंगे, इसके बाद मट्टी जलेगी वरना कोई मट्टी नहीं जलेगी, उसके द्वारे जलाएंगे मिट्टी जाके, ये मेरा वादा है। श्रीमान मुझे इंसाफ चाहिए, वो जो अधिकारी हमें कह रहे हम सब करेंगे, और फिर कल बंद जाएंगे क्या होगा हमारा, हमारी लाश चली जाए फिर क्या करेंगे हम, बताइए जिम्मेदारी कौन ले रहा है। हाँ जिम्मेदारी साहब ले रहे, कर दो ना, हम मर गए, हमारे तीन बच्चे हैं, बच्चे की जिम्मेदारी कौन ले रहा है, साहब हमें बल दे से एक हमें भी चाहे, मेवा नहीं मरा तो एक बल दे से बाबे ने पूरे बंद होने चाहिए। साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको अभी, साहब ने साहब ने क्या कहा, अरे साहब ने क्या किया आपसे, साहब बोलते चले तुमने बोला चलो जो इंसाफ चाहिए था बस, साहब ने क्या बोला आपसे, आश्वासन क्या मिला मर्डर का केस लगाया, एक जने थे चार जने तीन जने लड़के से कह रहे, एक जने थे बयान ले रहे, मेरे लड़के को मारने की धमकी नहीं, मेरे दामाद को के सारे तुझे जान से मार दो, मार दो तीसरे को मार दूंगा, इनने जे धमकी दे के गया कल, और तुम कोई लोग नहीं आए हैं जी, बात पे हम खलबला रही थे, हम डर गया, मर गया मैं तीसरा, एक बड़ा बड़ा बच्चा मर गया कल, और एक तीसरे नंबर का मर गया, अगर एक दो और बच्चे दो में से अगर किसी को मार दिया तो कौन है जिम्मेदार, पुलिस आ रही है ठाड़ी हो रही, 10 दिन बाद अगर एक किसी को मार दिया कौन है जिम्मेदार, ये बच्चे हैं नेक नेक से कहाँ मंजूरी करेंगे, और इन्हें मार डाले हैं, मेरे एक भैया यहाँ रहता मंजिला हल्का वहाँ रहता, अब वो तो अलग रहती है, कोई इन्हें मार डाले, साहब क्या कह रहे हैं आपसे, साहब का जो कर रहे हैं इंसाफ चाहिए, उन्हें भी जेल में नहीं कहिए साहब ने कि मैं इंसाफ चाहिए, है विश्वास है आपको, विश्वास है अब इसका भी मानना चाहिए, आपको भी मानना चाहिए, आप कैसे भैया का
10 लाख दो मेरे मेरे बच्चों की जो भविष्य खराब हुआ 10 लाख दो, मैं अपनी बॉडी जला दूंगी, मुझे तो नहीं।